नमस्ते, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बीएल संतोष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गतिविधियों के बारे में सोच विचार करती हूँ। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तकें खरीद कर भी अध्ययन करती हूँ। लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। मेरे बाजू में आकर के वे बैठ गए और उन्होंने मेरी जांग के ऊपर अपनी जांग रख दी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है, इसलिए तुम मुझे मोटरसाइकिल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो। और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के ऊपर भी डाली है। आइए आप उसी से सुन लीजिए कि उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है। आइए आप। नमस्ते। साथ पुस्तकालय गई थी, वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो मुझसे मीठी मीठी बात की, बाद में मेरे से नंबर ले लिए और फिर उन्होंने